नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं सरिता कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हमारे साथ है राजकुमारी जी, जो कि बहुजन समाज की बहुत बड़ी चिंतक हैं और समाज सेवी हैं, साथ ही बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। आज इनसे पूछना चाहेंगे कि बहुत से लोग अपने आप को कहते हैं मैं अम्बेडकरवादी हूँ, तो ये अम्बेडकरवाद वास्तव में है क्या? सबसे पहले तो सभी को जय भीम और साथ के साथ एसएम न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो समाज को जगाने के लिए रात दिन मेहनत कर रहा है और हम जैसे वक्ताओं की बात जो है आप लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। तो मैं एसएम न्यूज़ का धन्यवाद करती हूं। और अभी आपने मेरे से सवाल किया कि अम्बेडकरवाद क्या है, मैं आपको यहाँ बता देना चाहती हूँ कि आज एक जब समाज में हम जाते हैं तो हर आदमी कहता है कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, और उसके घर के अंदर जाके देखे तो वो पूरा मनुवादी है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबके सब लोग कहते तो हैं कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ और मैं अम्बेडकर को मानने वाला हूँ और अम्बेडकर को ही फॉलो करता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि कितने लोग हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़कर समझकर और उनको फॉलो करते हैं। हम 14 अप्रैल को बाबा साहब के स्टैचू के सामने जाते हैं, माला चढ़ाते हैं, धूपबत्ती अगरबत्ती जलाते हैं और बाबा साहब को नमन करते हैं और चले आते हैं। लेकिन मैं उन्हीं लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी कहा है कि आप मेरे स्टैचू के आगे धूपबत्ती जलाएं, अगरबत्ती जलाएं और मेरी पूजा अर्चना करें? बाबा साहब ने तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है, ना बाबा साहब ने ऐसा कहा है। बाबा साहब ने कहा है कि मेरे समाज के लोगों, आप जितना हो मेरी बताई हुई बातों पर चलो, मेरी बताई हुई बातों को मानो। तो बाबा साहब ने इतना लिटरेचर लिखा है समाज के लिए, और आज समाज की तो बात दूर, आज देश भी जो तरक्की कर रहा है वो बाबा साहब के संविधान की वजह से कर रहा है। तो हमें सबसे पहले तो बाबा साहब को मानने के लिए बाबा साहब के को जानना ज़रूरी है, बाबा साहब को पढ़ना ज़रूरी है, और जब हम बाबा साहब को पढ़ लेंगे, बाबा साहब को जान लेंगे, तो वाकई हम अपना सुधार कर पाएंगे, समाज का सुधार कर पाएंगे। और मैं यहाँ कहना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि लोग कहते हैं कि मैं अम्बेडकरवादी, मैं बताना चाहती हूँ कि वास्तव में अम्बेडकरवादी क्या है। गैर बराबरी वाली व्यवस्था को बदलकर मानवतावादी व्यवस्था का निर्माण करना ही अम्बेडकरवाद है। इंसानियत का नाम ही अम्बेडकरवाद है। अम्बेडकरवाद जो भारतीय जो संविधान है उसका दूसरा नाम अम्बेडकरवाद है। मानव मुक्ति अम्बेडकरवाद मानव मुक्ति विचारधारा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है अम्बेडकरवाद। मानवीय गरिमा के लिए चलाया गया आंदोलन ही अम्बेडकरवाद है। मानव का इसी जन्म में कल्याण करने वाली विचारधारा को अम्बेडकरवाद कहते हैं। जाति व्यवस्था का बीज नाश कर समाज को समानता के रास्ते पर ले जाना ही अम्बेडकरवाद है। अम्बेडकरवाद एक ऐसा बीज है जो देश तो क्या दुनिया के हर कोने में पैदा हो चुका है, इसे देश तो क्या दुनिया की कोई ताकत ख़त्म नहीं कर सकती। अम्बेडकरवाद एक ऐसा विचार आंदोलन है जो मानव का इसी जन्म में कल्याण करता है। अम्बेडकरवाद एक ऐसी विचारधारा है जो समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्यायता और पूरी तरह से साइंस पर आधारित है। तो अम्बेडकरवाद में कहीं भी कोई पाखंड की जगह नहीं है, कहीं भी कोई किसी तरह की रूढ़िवादिता की जगह नहीं है। सही मायने में जो आज विकसित होना चाहता है उसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अम्बेडकर होने के कुछ गाइडलाइन है, कुछ बातें हैं जो मैं समझती हूँ कि अपने समाज को फॉलो करनी चाहिए और अपने समाज को बजाय बाबा साहब को पूछने के
बाबा साहब को मार्गदाता के रूप में स्वीकार करें तो वाकई जहाँ आप जाना चाहते हैं वहाँ आप पहुँच जाएंगे, और जहाँ आपने कल्पना नहीं की होगी वो जगह पे आप बैठेंगे। जय भीम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।